ये कहा कि आपने लायंस क्लब क्यों ज्वाइन किया? तो मैंने उनको ये जवाब दिया, क्योंकि मेरा पैशन है, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें बहुत सारे लोग मेरे जैसी सोच रखते हों, जिसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े हों। एंड इस चीज़ की मुझे ये खुशी है कि लायंस क्लब को ज्वाइन करने के बाद में इस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन हुआ कि एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स एंड हाईली एजुकेटेड पीपल एंड लाइक दे आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क, दे आर नॉट अर्निंग मनी इन दैट, बट दे आर हेल्पिंग अदर्स लाइक इन द वे ऑफ सर्विंग द ह्यूमैनिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ विजन। एंड आप नोटिस करेंगे लायंस क्लब की तरफ से बहुत सारे आई हॉस्पिटल्स हैं। लायंस क्लब का जो मल्टीपल इंटरनेशनल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, एंड अपने फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एंड उनको और प्रमोट करने के लिए वो हाईली क्वालिफाइड लोगों को हायर करते हैं अपनी सर्विसेज को आगे देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, फूड फॉर हंगर उनका एक ये भी कॉज है कि भूखे लोगों को खाना खिलाना, सारा कुछ ही उसमें एडेड होता जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचना। तो ये ऐसे बहुत सारे अदर एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसी कई चीज़ें, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि पता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे काम लायंस क्लब के अंडर में होते हैं। ये बात मुझे जब पता चली तो मुझे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, मेरा जो अंदर का फीलिंग था वो इसके साथ मैच हुआ। क्योंकि जब सेवा का जज्बा आपके अंदर होता है, और दूसरी बात ये है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं एंड आपके साथ आप जैसा ही जज्बा रखने वाले लोग आपको मिल जाते हैं, तो वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। तो मैं जब अकेले काम कर रही थी, अकेले सेवा का जज्बा लेके एक इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी एंड अदरवाइज मैंने बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किया, साथ दिया, जो मुझसे हो सकता था मैंने किया, बट फिर भी मेरे अंदर एक एम्प्टीनेस था, खालीपन था कि अपनी मर्जी से कुछ करना, कि हम कुछ करें जिसको हम, जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो वहाँ पे मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी मैं करती कुछ करने की सोचती तो लोग यही चाहते, यही बोलते थे कि फेमस होने के लिए कर रही है, कि इसको नाम करना है, ईगो है इसलिए कर रही है। तो मैंने वो जगह को कम्प्लीटली छोड़ दिया, क्योंकि ईगो जिसमें होती है उसमें सेवा का जज्बा नहीं होता, और जिसमें सेवा होती है उसमें ईगो नहीं रह सकती। तो ये चीज़ को मैंने किसी से जाहिर नहीं किया, आज मैं आपके सामने जाहिर कर रही हूँ उस चीज़ को कि खालसा एड भी ऐसा है। फ्यूचर में मुझे ज़रूर अगर टाइम मिला तो मैं खालसा एड भी ज्वाइन करूँगी, डिजास्टर मैनेजमेंट उनका। बट ये जो प्लेटफॉर्म है, आई विल गेट द एक्सपीरियंस इन दैट एंड आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द एक्सपीरियंस पीपल इन लायन क्लब्स। एंड उसके अलावा एक ऐसा होता है कि एक सोच थी मेरी कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो हम एक ऐसा क्लब ज्वाइन करेंगे जहाँ पे हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें, सर्विसेज कुछ कर सकें, मतलब कि एक सुकून से कुछ जो भी हम कर सकेंगे हम करेंगे। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे मिली लायंस क्लब को ज्वाइन करने के बाद, उसमें मुझे दिखी है। तो इसमें जो है कि आप डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है उसके कैंप लगाते हैं, उसका अवेयरनेस करते हैं कि उसे कैसे कंट्रोल करें, किस कैसे इस डेडली डिसीज से बचें एंड इसका क्या कारण है, इसका अवेयरनेस लायंस क्लब अच्छी तरह से करता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज ही नहीं बता सकती, बहुत कुछ आ रहा है, धीरे धीरे मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूंगी। एंड वो लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं लायंस क्लब के साथ में, वो ज़रूर जुड़ें। क्योंकि अगर घर में हस्बैंड वाइफ, क्योंकि एक ऐसा पीरियड आता है जब आप बोर हो जाते हैं अपनी डेली रूटीन से, अपनी डेली लाइफ से, अपनी रिलेशनशिप से, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो उनमें अटैचमेंट भी बढ़ता है, और काम करने का, एक साथ काम करने का, सेवा करने का, लोगों की भलाई करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, जिससे कि आपकी दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगी। तो मेरी एक ये विश है कि मेरा ये मैसेज हर घर तक पहुंचे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ज्वाइन करें,
हम बहुत सारी प्रॉपर्टियां, हम स्पेयरिंग में विश्वास करते हैं, हम बहुत चीजें बचा के रखते हैं अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, तो उनके लिए मैं ये चाहती हूं कि अगर हम सब कुछ सेव कर देंगे तो वो क्या करेंगे? उनको भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए जिंदगी में, और जिनके पास नहीं है कुछ भी, उनको मैं कंपेल नहीं कर रही कि वो कुछ करो, बट जो भी लोग कुछ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, आगे आके सपोर्ट करें लायंस को, बिकॉज इट सेज वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन, तो वहां पे हमें पहुंचना है. तो इस चीज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एंड अपने यूथ को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि करियर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक टाइम हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं सोशल नेटवर्क साइट्स में, फेक साइट्स में, पता नहीं कौन सी साइट्स में हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसी फेक रिलेशनशिप में जो कि बाद में हमें जाके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देती हैं, धोखा मिलता है. तो उनको भी, मैं यूथ को भी ये बात के लिए कहना चाहती हूँ कि आप भी लायंस क्लब ज्वाइन करें. यूथ के लिए भी लियोस करके एक है अपॉर्चुनिटी, जिसमें इन्वॉल्व होके वो सीख सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ कुछ करने का, एंड अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है, दुनिया बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, पर अकेले नहीं कर सकते, हम सभी लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद भी करेगी तो घड़ा भर जाएगा, और घड़ा भरने के बाद टब भर जाएगा, और फिर समंदर बन जाएगा. हम जैसे ही जुड़ते जाएंगे तो इसके साथ साथ बहुत कुछ बढ़ता जाएगा, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होगी, एंड इंटरनेशनल लेवल से भी सपोर्ट मिलती है. अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, अदर टाइप की, वट एवर द बैकग्राउंड सपोर्ट वी वॉन्ट दैट वी विल गेट फ्रॉम द लायंस क्लब एंड द लायंस कम्युनिटी. सो लेट अस ज्वाइन हैंड टुगेदर टू ज्वाइन द लायनिज्म, टू ज्वाइन द लायंस क्लब. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड